हो या हकीकत, आपने अक्सर अदालत में देखा होगा कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपने पेन की निब तोड़ देता है। लेकिन क्या आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है कि जज फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब क्यों तोड़ देते हैं? तो चलिए आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल जज जब भी आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो फैसले के बाद हैंग टिल डेथ कहने के बाद पेन की निब तोड़ देते हैं। हम आपको बता दें कि न्यायाधीश द्वारा ऐसा करने का प्रचलन भारत में ही है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता में अपराधी को दंड के तौर पर सबसे बड़ी सजा जो दी जाती है वह फांसी ही है। आमतौर पर जो सबसे बड़ा अपराध की श्रेणी में जो अपराध आता है उसके दंड के रूप में फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऐसे में अगर जज ने एक बार फांसी की सजा सुना दी है तो उस पर न्यायाधीश जो है यह विचार नहीं कर सकता। इस पर यदि विचार के लिए हम बात करें या फिर जज के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसे यदि कोई बदल सकता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ पावर जो है यह राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति अपने विवेक और ज्ञान के आधार पर अपराधी को क्षमा कर सकता है। मतलब यदि हम बात करें फांसी को टालने की तो फांसी को टाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही सकता है। राष्ट्रपति के अलावा यदि हम बात करें तो कोई भी फांसी की सजा की अपील जो है यह दायर नहीं कर सकता। इस अपील को यदि हम बात करें फांसी की सजा को तो बदला नहीं जा सकता। जिसे मैंने आपको पहले ही बताया, राष्ट्रपति के अलावा इसे बदलने का हक किसी के पास भी नहीं है। स्वयं जज के पास भी इसका हक नहीं होता है। यही कारण है कि जिस पेन से मौत का फरमान जज के द्वारा लिखा जाता है उसकी निब को तोड़ दिया जाता है। माना जाता है कि अगर फैसले के बाद पेन की निब तोड़ दी गई है तो खुद उस जज के द्वारा भी उस फैसले को चाहकर बदला नहीं जा सकता है। मतलब कलम की निब तोड़कर फैसले पर दोबारा विचार करने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, इसलिए पेन की निब को तोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब जज क्यों तोड़ देता है, तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप हमारी आज की वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारी आज की वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर करें। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।